માં હું જાણું છું આ શરીરને હવે એક નવા રંગમંચ પર લઈ જવાનું છે. દેશનો વિકાસ થયો મારો આશીર્વાદ છે. સેવા માતાને જન્મ જ લીધો છે. तो दुखदायक खबर है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे माता जी हीराबेन जिन्हां दे आखिरी सां उन्हां ने अहमदाबाद दे विच लई ते अहमदाबाद दे अस्पताल दे विच उन्हां दे मौत होण दी सूचना मिलदी है. अहमदाबाद दे विच उन्हां दा संस्कार कीता गया. अहमदाबाद दे विच हीराबेन ने अपने आखिरी सां लए ने. पीएम मोदी ने माता हीराबेन नूं मुखाग्नि दित्ती. यूएन हस्पताल दे विच हीराबेन ने आखिरी सां लए ने. शानदार शताब्दी दा परमात्मा दे चरणां दे विच विराम. पीएम मोदी ने अपनी माता जी लई इह जो है शब्द कहे काफी भावुक नजर आए ने पीएम मोदी. सो उन्हां नूं अंतिम संस्कार उन्हां दा कीता गया. पीएम मोदी ने मुखाग्नि दित्ती अपनी माता जी नूं क्योंकि उन्हां दा ही जेकर दसी जावे तां बीते कुछ दिनां तों ही ओह बीमार चल रहे सी जिन्हां नूं देर रात हस्पताल दे विच भर्ती करवाया गया ते उन्हां ने यूएन हस्पताल दे विच अहमदाबाद दा हस्पताल है जिथे उन्हां ने अपने आखिरी सांस लए ने. सो तस्वीरां तुसीं वेख सकदे हो भावुक कर दियां तस्वीरां. पीएम ने नमन कीता अपने माता जी दी देहांत ते उह काफी ज्यादा भावुक भी नजर आए ने. पीएम ने मुखाग्नि दित्ती अंतिम संस्कार करदे वक्त यादां दे विच रह गए ने हुण हीराबेन. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अपनी माता जी का काफी मान सत्कार करते सी हमेशा उन्हां दा आशीर्वाद लैके ही कोई चंगे काम की शुरुआत करते सी. पीएम ने मुखाग्नि दित्ती परिवार दे विच गमगीन माहौल है इस वक्त. सो दस दिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे माता जी दे देहांत होण ते कई जड़े सियासतदान ने राजनीतिककार ने ते होर कई जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे माता जी नूं श्रद्धांजलि देण दे लई ट्वीट भी कीता. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी श्रीमती हीराबा दे निधन का दुखद समाचार प्राप्त होया. मन नूं बहुत दुख होया. मां एक बच्चे वास्ते सब तो पहली दोस्त और प्रेरणादायक हुंदी है. उन्हां दे जान दे नाल एक बहुत वड्डी क्षति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नूं पहुंची है. असीं प्रभु दे चरणां च यही अरदास करदे हां कि प्रभु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उन्होंने परिवार को इस दुख को सहन की शक्ति देना और बिछड़ी आत्मा को अपने चरणों में स्थान देना. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी और मैं तो देश की माता जी कहूंगा क्योंकि उन्होंने जो संस्कार दिए हैं आज पूरा विश्व उस माता को प्रणाम कर रहा है जिन्होंने एक महान सपूत को जन्म दिया था. आज उस मां को हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और कहते हैं कि जब भी मेरी कश्ती तूफान में आ जाती है तो मां दुआ करती हुई सामने आ जाती है. मां बाप कभी मरते नहीं, वो हमेशा साथ रहते हैं दुआओं के साथ. सो पीएम दे माता जी दे देहांत मौके कईयां दे वल्लों ट्वीट करके दुख जाहिर कीता गया. सब तो पहला ट्वीट तुसीं वेख सकदे हो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति दे वल्लों जो है ट्वीट करके दुख जताया गया. पीएम मोदी दे माता जी जो इस दुनिया नूं अलविदा कह गए ने. उधर राजनाथ सिंह वल्लों भी जो है ट्वीट करके दुख जाहिर कीता गया. गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके दुख जताया. पीएम मोदी दे माता जी दे देहांत मौके सारे किते गमगीन जो माहौल है उन्होंने परिवार दे विच इस दुख की घड़ी दे विच सब ने ट्वीट करके दुख जाहिर किया. अमित शाह जिन्होंने
ट्वीट किया। दूजे पास पंजाब सीएम भगवंत मान जिन्होंने ट्वीट करके दुख जाहिर किया। इस दुख की घड़ी दे विच पीएम मोदी जिन्होंने नाल और नाल खड़े ने सारे तो उन्होंने दुख जाहिर किया। दूजे पास हरसिमरत कौर बादल जो कि उन्होंने भी ट्वीट करके दुख जताया। तस्वीर भी एक उन्होंने शेयर की है पीएम मोदी जी ते उन्हां दी माता जी की तस्वीर जो उन्होंने शेयर की भावुक कर दी ए तस्वीर है। श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने भी ट्वीट करके दुख जताया है। तुसी टीवी स्क्रीन ते वेख सकदे हो हरेक सियासतदान वालों जड़ा ट्वीट किया गया इस दुख की घड़ी दे विच दुख जाहिर किया कि हीरा बेन जो कि पीएम मोदी दे माता जी हमेशा उन्होंने वेख्या जाता सी अपनी माता जी दे नाल कोई भी चंगा काम करना होवे या किसी भी खुशी दे मौके वो अपनी माता जी तो आशीर्वाद लेंदे हुए जरूर दिखाई देंदे सी। अक्सर अपनी माता जी नूं मिलन भी पहुंचते सी गुजरात अहमदाबाद विखे। लेकिन अज जो है उन्होंने देहांत की खबर ने चारे पासे माहौल जो है गमगीन कर दिता है। परिवार दे विच इस वक्त गमगीन माहौल है। मुखाग्नि दी गई पीएम मोदी दे वल्लों अपनी माता जी नूं अंतिम विदाई। ये तुसी वेख सकदे हो तस्वीर अंतिम संस्कार दीआं।